कौशल जी, क्या ये पिक एंड चूज किया जा रहा है? अपनी पसंद के लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है और दूसरे के लोगों को फॉरेन टारगेट किया जा रहा है? मैं सवाल नहीं समझ पाया कौशल जी। सवाल मेरा ये है, क्या सीबीआई और ईडी पिक एंड चूज कर रही है जो विपक्षी दल के नेता है उनके खिलाफ फौरन वारंट निकलते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और तमाम रिमांड की बातें शुरू हो जाती है, लेकिन वही बात अगर बीजेपी के मामले में आए तो वहां सुस्त रवि देखी जाती है और बहुत सुकून से काम किया जाता है? देखिए, मैंने साफ साफ आंकड़े बताए कि 6 बीजेपी के लोगों के ऊपर भी ईडी अपना काम कर रही है। हाँ। तो जैसे जैसे सबूत मिलेंगे। लेकिन शीर्षपाल जी ने उत्तराखंड के कई उदाहरण आपको दिए। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं बन सकता, मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं बन सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ और अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। वो एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी है, उनसे क्या पूछना है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, सर्वेश क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, जो लगातार बोला जा रहा है कि अभी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल है, साउथ का एक पूरा का पूरा जो गैंग है वो शामिल है, उनके नाम सामने आएंगे, ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, क्या कहना है इस पर? हमने तो अभी भी पूछा है कि आप एक साल से ईडी जांच कर रही है, क्या मिला मनीष सिसोदिया जी, क्या बता दे, कितने पैसे मिले, क्या क्या मिला, केस क्या था, क्या मिला, क्या बता तो दे। सीबीआई तो कह रही है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई क्या तो पहुंच गए ना, नहीं जेल तो अमित शाह भी गए थे, जेल अमित शाह भी गए थे, जेल अमित शाह गए थे, भूले क्या, क्लीन चिट मिली है, जेल अमित शाह भी गए थे, जेल अमित शाह भी अभी गए ना, क्लीन चिट मिले थे मनीष सिसोदिया को, आपके पास कुछ होता तो नहीं, क्या थे अमित शाह भी जेल गए, नाम गिराते गए, ईडी को बताइएगा अडानी के दलाली मोदी ने करिए कुछ है, जो अडानी के दलाली करिए है, जो साउथ अडानी के दलाली मोदी ने करिए है, अडानी की दलाली मोदी कर रहे हैं पूरे देश में, कोई है मामला आपके पास, हिम्मत है अडानी की सामने अडानी वो मामला है, अरे वो मामला भी अडानी अडानी खुद संज्ञान लिया, खुद संज्ञान लिया, मोदी जी एक नहीं, मोदी जी के दोस्त अडानी पूरा देश सुन रहे हैं, ईडी या सीबीआई लिया, मोदी के दोस्त अडानी डॉक्टर बलवीर, मोदी के दोस्त अडानी जी देश सुन रहे हैं, सीबीआई के लिए 175 केस किया है, 175 केस की प्रतिशोधन हुए, अरे बड़ी लंबी आम आदमी पार्टी, अरे हमारे पास तो सिर्फ एक आदमी का नाम है, बताइए मोदी के दोस्त अडानी 1,00,000 आपने, मोदी के दोस्त अडानी, मोदी अडानी की नौकरी कर रहे हैं, मोदी जी अडानी की नौकरी कर रहे हैं, अभी मलेशिया से 44,000 करोड़ दिया है, मलेशिया से 6 फर्जी कंपनियों से 88,000 करोड़ रुपए, जिस तरीके से जेल में मसाज करवा रहे थे जेल मंत्री, अब जेल कौन चलाता है, लगाते हैं थक जाएंगे, चलाती है आप जीरो लगाते हुए थक जाएंगे, से मजा 44 सत्येंद्र जैन, 4 सेल कंपनी, पूरे परिवार के साथ 16 करोड़ की घपली, 56 सेल कंपनियों के माध्यम से हवेला का काम किया था, मनी लॉन्ड्रिंग में गए हुए हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में है ना, आप बताएंगे मलेशिया से 6 फर्जी कंपनियों के जरिए 44,000 करोड़ रुपए लूट हुए हैं, ईडी की एक नोटिस दिया आपने, ईडी की कोई एक नोटिस दी है 6 फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी के पूर्व निदेशकों के घर वालों को नोटिस दिया है, हिम्मत है आपकी नोटिस देने की अडानी की, पूरा देश बेच रहे हो अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक, मनीष सिसोदिया पे, मनीष सिसोदिया के घर 1,00,000 रुपए भी पाए आप लोग, ईडी 1,00,000 रुपए भी पाई क्या, अरे बड़ी लंबी लिस्ट, 1,00,000 रुपए ईडी को मिला क्या, आए थे ना लोकपाल, 1,00,000 रुपए ईडी को मिला क्या, कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, शराब की दुकान को 1,00,000 रुपए भी मिला क्या, इलाके की औरतों, अरे ये कहिए 2024 को लेकर आप विपक्ष को दबा रहे हैं, आप सीधा बोलिए, आप सीधा बोलिए 2024 में डर है मोदी को, अरे विपक्ष की बड़ी बड़ी ताकत के साथ 2024 में डर है आपको, पार्टी
चले चले ठीक है। अडानी 1 लाख करोड़ लूट के चला गया, कोयला खरीद लिया, पोर्ट खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया, हिम्मत है, हिम्मत है बोलने की मोदी जी को? अडानी के एयरप्लेन में बैठ के घूमते हैं, हिम्मत है? स्कूल का नाम बता दीजिए। 44,000 चर्चा में ले लेता हूँ, 44,000 अभी समय है, वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा। सिर्फ एक अनूप जी, मुझे आप ये बता दें, ये जो चिट्ठी आप लोगों ने मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी, ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना लिख करके सीधा सुप्रीम कोर्ट को दी जाती या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जाती तो शायद ही आपका मामला पॉजिटिव वे में जाता। आप उसी पार्टी पर इल्जाम भी लगा रहे हैं और वहीं से जो है गुहार भी लगा रहे हैं। अनूप जी, ये इस बात का प्रमाण है कि हम मानते हैं अभी भी देश के प्रधानमंत्री के प्रति विपक्ष के मन में ये विश्वास है कि वो न्याय की बात कर सकते हैं, लेकिन न्याय का जिम्मा तो अदालतों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो देश की सुप्रीम अदालत है, प्रधानमंत्री को वहां पर आप क्यों नहीं जाते कि ये एजेंसियां जो है पार्टी के नहीं वो बेजा काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, पूरे एजेंसी का प्रयास कर रही है। हम एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहते हैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता महोदय। अभी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पिछले महीने सार्वजनिक हुई तो ये बात सामने आई कि करीब 50,000 करोड़ रुपया LIC का और देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों का अडानी की कंपनियों में लगा था जो डूब गया। क्या कोई ईडी इसकी जांच करेगी कि वो 50,000 करोड़ रुपया LIC का और राष्ट्रीयकृत बैंकों का किस जांच के तहत और किस नियम के तहत किसके आदेश पर अडानी की कंपनियों में लगाया गया था? भाजपा के प्रवक्ता महोदय बराबर सबको बीच में टोकने का काम कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य से सुन लें आप। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं कि इन्होंने आंकड़े गिनाए कि साहब 6 आदमी हमारे हैं, कहां हैं और जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तो जमानत मिलना तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, आज मिलेगी कल मिलेगी या जब उचित समझेगी कोर्ट मिलेगी, उसके बारे में तो टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। लेकिन मुझे यह बताएं कि शुभेंद्र अधिकारी का क्या हुआ, मुकुल राय का क्या हुआ, येदियुरप्पा जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते थे उसको भाजपा ने अपने आप बुला करके मुख्यमंत्री बना दिया, उनका क्या हुआ? इनमें से किसी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कि देश की जनता बेरोजगारी के सवाल पर उद्वेलित ना होने पाए, महंगाई के सवाल पर उद्वेलित ना होने पाए, कोई ये सवाल विपक्ष न पूछने पाए कि 450 में जो सिलेंडर बिकता था आज 1150 में क्यों बिक रहा है, 1200 ये सवाल न पूछने। अरे भाई चुप हो जाइए कि कोई ये सवाल ना पूछने चाहे कि देश की विकास दर GDP की विकास दर 4.4% क्यों रह गई, कोई ये सवाल ना पूछने पाए कि आपके 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रतिवर्ष के वादे का क्या हुआ, कोई ये सवाल ना पूछने पाए कि 15 लाख रुपए खाते भेजने वाला था उसका क्या हुआ। आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी, हर तानाशाह अपनी तानाशाही को छुपाने के लिए, अपनी असलताओं को छुपाने के लिए जांच एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का, जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में गेस्टापो और SS का उपयोग किया था, दुरुपयोग किया था अपने विपक्षियों की आवाज दबाने के लिए, ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसकी वजह भी यह है कि इनका विचार, ये भले चाल चरित्र और चेहरा की बात करें, इनकी चाल भी अलग है, इनका चरित्र भी संदिग्ध है और इनका चेहरा तो कई कितने चेहरे हैं कोई जान नहीं सकता, ठीक है।